अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे, फिर आप अच्छे होंगे। और आज का ब्लॉग हम लोग यहीं से शुरू करते हैं। शुरू क्या शुरू किया है तो फिर मगर का टाइम हो चुका है। सबसे पहले नमाज़ पढ़ती हूँ, नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग मिलते हैं अपने ब्लॉग की तरफ। तो अब मिलते हैं, अम्मी साथ में खड़ी हुई है, अम्मी भी, आप भी, अम्मी भी नमाज की तैयारी कर रही है। तो मामा वेलकम बैक इन अनदर ब्लॉग। यहाँ पर मैं मगरिब की नमाज़ अदा कर रही थी तो सोचा था थोड़ी बहुत ये भी शूट कर देती हूँ वीडियो आप लोगों के साथ। तो अल्लाह पाक सबकी दुआओं को कबूल फरमाए, आमीन। डेली रूटीन के साथ डेली हमारा यही काम होता है घर का कि कपड़े धोना, ये करना, वो करना, वो करना, फलाना, धमकाना, ये वो हर चीज़ें करना। खैर कपड़े तो मैं धोती नहीं, अम्मी धोती हैं कपड़े। तो फिर अम्मी को मैंने आज बोला, अम्मी मैं ना कपड़ों के तेल लगा लेती हूँ और क्या बोलते हैं कि ना साथ में पानी भर रही हूँ। यार यहाँ पर पानी का इतना इशू है, इतना इशू है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। सब घर में सहूलत थी ये सब चीज़ों की ना, पानी की बहुत, बस जितना पानी जैसे है ना वो स्विमिंग पूल बना लो, कोई मसला नहीं है, कुछ भी नहीं था वहाँ पर। यहाँ पर तो देखो हर चीज़ें भर के रख देते हैं। और अम्मी साथ में किचन में खड़ी हुई है, वो मैं यहाँ पर कर रही हूँ ना कपड़े जैसे ते वगैरह। मेरा यही होता है कि मैं कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ सिखाऊं, तो आज मुझे यही हुआ था। तो मैंने कहा चलो आप लोगों को एक्टिविटीज़ सिखाती हूँ, बैठे 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 ब्लॉग बनाती हूँ। तो अभी मेरा दिल कर रहा था कि आप लोगों को चलो थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ सिखा देती हूँ। यहाँ पर अम्मी चावल बना रही है और साथ में ग्वार फली होती है ना वो मेरी अम्मी ने बनाई है। अच्छा जी, आप लोग कहें ना मेरी वीडियो को एंजॉय करते रहें और फुल वॉच किया करें। यहाँ पर मैं वॉइस ओवर अपना बंद कर देती हूँ तो आप लोग सुकून से मेरी वीडियो देख लें। कल मैंने कपड़े धोए थे तो अभी रिदा तय कर रही है। ये देखें रिदा आज सारा काम, क्योंकि ये काम मैं करती हूँ मगर आज से रिदा को मैंने लगाया हुआ है, झाड़ू पोछा रिदा का होता है। तो अभी ये रिदा कपड़ों को कर रही है तय, तो जैसे सही हो जाएं कपड़े, अलमारियाँ सही हो जाएं। अलमारियाँ तो आपको पता है मैंने बेच दिए सारे, बेच दिए क्या मैं, क्योंकि मैं जहाँ रहती थी बहरिया में तो वहाँ पर अटैच अलमारियाँ थी, हर कमरे में लगी हुई थी अलमारी। उसके बाद से फिर मैं जब और शिफ्टिंग मैंने कर ली तो वहीं भी अलमारियाँ पड़ी हुई थी, अभी अलमारियाँ नहीं है। तो यहाँ पर ये इस्त्री की टेबल है, इसमें जो ड्रॉ बने हुए हैं इसमें सारे हमारे कपड़े आ जाते हैं। बाकी जो सर्दियों के कपड़े हैं वो हमने बांध बूंद के रखे हुए हैं, बाकी शादियों के कपड़े हमने अटैची और सूटकेस में रखे हुए हैं। और यहाँ पर सारे कपड़े आ जाएंगे और इधर तय कर रही है क्योंकि अभी काम सारा करेगी। मैंने खाना वाना बना लिया, नमाज की तैयारी अभी करूँगी, साथ में तस्बीह पढ़ रही हूँ और बाकी जो भी दिन भर रहा। बोलो बताओ, आपने बता दिया, फिर दुपट्टा मेरा पहना। रिदा को मेरे दुपट्टे लगते हैं अच्छे। और मैं रिदा अभी मैं क्या करूँगी, एक सूट लूँगी दो दुपट्टे लूँगी ना। हाँ। तो मैं ना मेरे दुपट्टे बहुत अच्छे लगते हैं, मेरा नया सूट मैंने एक दफ़ा पहना और तुमने दुपट्टा पहन लिया। जैसे रिदा ऐसे करो ना, शलवार में ना कमीज वो लपेट के रख दो तो जगह ना कम घेरेगी। अब इसमें शलवार रख दो, इसमें शलवार रखो, ऐसे करके फोल्डिंग से अच्छी सी फोल्डिंग करो, पतली पतली फोल्डिंग करो ना, जैसे जगह ना कम होगी। अब इस तरह रखो जैसे कपड़े इस्त्री की हुए ना। हाँ इस तरह रिदा को मैंने सिखाए हुए रिदा कपड़े कैसे रखती है, ये देखें कपड़े इस तरह मैंने रिदा को सिखाए हुए हैं कि रिदा जैसे कपड़े ऐसे लगे कि हमने इस्त्री किए हुए कपड़े। और ये अभी ये मेरे सारे कर रही है, अभी ये सारे मम्मी के कपड़े तय करेगी, फिर हमारे तय करेगी, फिर रिदा अपना काम करती रहेगी क्योंकि काम तो इसको ही करना होता है, मुझे थोड़ी होता है करना। ना तो टाइम से किया करो ना, अभी रात के 8 बज रहे हैं तो मेरे 10 काम हो गए, 10ों काम मैंने नाश्ते से लेकर रात तक कर लिए। ईशा की तैयारी कर रही हो, तुम अभी सफाइयाँ कर रही हो। हाँ तो कहती मुझे पसंद नहीं आता, रिदा काम करो तो टाइमिंग वाला करो ना। अभी तुम रात के 8 बज रहे हैं, 8 क्या, 9:15 बज रहे हैं, अभी तुम सफाइयाँ कर रही हो, फिर बोलती कि हमें रात को करती हूँ ना, सुबह तक घर साफ होता है। तो ये दिन ख़त्म हो गया और तुम्हारा दिन अभी शुरू हुआ, अभी तुम सफाई कर रही हो। रिदा ये गाड़ी के कागज़ हैं, ये फाइल गाड़ी की है, ये रखो सही करके रखो।
इसमें गाड़ी की फाइल है ये, क्योंकि गाड़ी की फाइल हमारी पड़ी हुई यहाँ पर, अचानक ज़रूरत पड़ जाती है तो मैंने यहाँ पर रखी, अलमारी नहीं तो मैंने नज़र आती रहेगी हमेशा। तो जी हो गया हमारा काम, मैंने अपने नाली पूरी सेट कर ली, मैंने आपको दिखा भी दिया है। तो फिर अभी ब्लॉग को एंड करने आई थी, तो मेरा इतना सा ही ब्लॉग था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत ही बना लेती हूँ ब्लॉग्स को, और है ना हमारे मेहमान भी आ रहे हैं, तो इसकी वजह से जल्दी जल्दी से हम लोगों ने काम भी किया। तो वैसे तो डेली हो गए घर का काम, तो फिर लोग सोचते हैं कि मेहमान आए तो और अच्छा घर चमका दे, चमका दे से नहीं चमका दे, तो वो ही हो रहा था सुबह से। तो फिर है ना क्या बोलते हैं, तो मेहमान जो आ रहे हैं वो तो मैं अभी बस आएंगे ना तो मैं आपको बताऊंगी कौन से मेहमान आ रहे हैं। तो ये फिलहाल सरप्राइज है। तो फिर क्या बोलते हैं, कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।